कर्मचारी महासंघ के जो हमारे केंद्रीय कमेटी है उसके फैसले के आलोक में आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में एनपीएस के खिलाफ, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ यह प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इसके अलावे राज्य सरकार की कई ऐसी मांगे हैं जो केंद्र सरकार हम लोगों का दिए रोक के रखी है, और भी बहुत सारी मांगे है। पीएफआरडीए जो बिल है उसकी वापसी के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जो पूरे भारत वर्ष में ये मांग उठाई जा रही है। इस प्रदर्शन में कितने संगठन शामिल हैं, कितने? इसमें लगभग हमारे बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ से जुड़े 41 संगठन जो हैं वो इसमें साथ में हैं, और उनके संबंधित कर्मी यहाँ आज प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या मांगे है, और यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? ये हमारी आज की प्रदर्शन एक झांकी थी, और इसके बाद हमारी राज्य कमेटी बैठेगी और उस पर निर्णय लेगी कि आगे की कार्रवाई क्या है, क्या रणनीति होगी। मनोज कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। यह इस प्रदर्शन के पीछे कोई भी प्रदर्शन या कोई भी आंदोलन एक दिन में नहीं होता। सरकार की जो जुल्मी नीति है, सरकार जो हम लोगों के साथ जुल्म ढा रही है, उसके खिलाफ पूरे भारत के जो कर्मचारी हैं वो सब एक हो गए हैं, और पूरे भारत में सरकार के खिलाफ हमारा, चाहे वह बिहार सरकार हो या बाकी के स्टेटों की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकारें सब एक तरह की होती हैं, सबकी दोगली नीति है, जिसके खिलाफ आज हम इकट्ठा हुए हैं और हमारा प्रदर्शन है, जिसमें मुख्य प्रदर्शन है उसमें हमारा जो पूर्व से हम लोग जैसे हैं, वो पूर्व से हम लोगों को पेंशन स्कीम दिया गया है, लेकिन आज जो नए हमारे साथी आ रहे हैं उनको पेंशन से वंचित कर दिया गया है। इस चीज का हम लोग जोरदार विरोध करते हैं, और हमारा पुराना पेंशन लागू होना चाहिए। सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक ये किया है एफआरडीए, उसको वापस करने के लिए, पीएफआरडीए जो है उसको वापस कराने के लिए हमारा यह प्रदर्शन है। हमारे यहाँ ठेका पर, संविदा पर कर्मियों को रखा गया है, और उनको जब मन करे हर एक साल रिन्यूअल कराइए, नहीं तो उनको हटा दीजिए। ये ठेका प्रथा बंद कीजिए, उनको रेगुलराइज कीजिए। ये ठेका प्रथा नहीं चलेगी, इसको बंद कीजिए, वरना आप भी देखे होंगे आज ही के दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपा हुआ है, संविदा के कर्मियों के लिए अलग, हमारे लिए, हमारे यहाँ की जो रेगुलर महिलाएं हैं उनके लिए अलग। ये नहीं चलेगा, हमारे बीच बंटवारा जो करने की नीति चल रही है वो हम नहीं चल रहे, इसलिए हम इस पर रोक लगाने की मांग। साथियों, 50 वर्ष के बाद इन्होंने कार्य क्षमता का निर्धारण करके और फिर से हमारी कार्य क्षमता का आकलन करेंगे, और जब मन करे ये हमें वापस हटा दे, ऐसी इन्होंने ये योजना बनाई है। हम यह मांग करते हैं कि यदि यही वास्तविक उम्र है काम करने की, तो सब पर यह लागू हो जाती, और जो सरकार में बैठ के 80-80 वर्ष तक और 90-90 वर्ष तक कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री बनता है, उनके लिए भी एक उम्र तय कर दी जाए। हम लोग भी तैयार। साथियों, और आश्चर्यजनक बात यह कि वो एक दिन के लिए शपथ लेते हैं, पेंशन उनका चालू, हम जिंदगी भर उनके आदेश को, जनता के आदेश को सबको मानते हैं, और हमारी पेंशन वापस ले ली गई है। पहले या तो वो अपना पेंशन बंद कर देते, और हम लोगों को भी यह कहते तो हम लोग करते, वो बड़े लोग हैं, उनको पेंशन नहीं मिलता, तब भी वो जी सकते थे। हम मजदूर लोग हैं, हमारी मजदूरी जो है इतने दिनों तक, तो जो पूरे जिंदगी जिए आपकी सेवा में लगाया है, वो पेंशन नहीं मिलेगा, बुढ़ापे का सहारा क्या रह जाएगा? इसलिए पेंशन बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार यदि नहीं मानेगी तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, उससे नहीं होगा, पूरे भारत का चक्का जाम होगा।
अध्यक्ष मैं रामेश्वर सिंह अध्यक्ष अनुसचिव कर्मचारी संघ। हम लोग पूरे भारतवर्ष में शामिल है, सहयोग में पूरे भारतवर्ष में हम लोग शामिल है। हमारा आवाज दिल्ली पर भी धरना पर बैठा हुआ है, हम लोग इनके चाहने में जो पेंशन बंद कर रहा है उसको विरोध मिल के साथ है। हम लोग जब दिन पेंशन बंद हुआ हम आपके साथ है, आप लोग लड़ने के तैयार हुए, क्योंकि हमारे 80 बेड 85 बेड के साथ नहीं रहा, कहीं चाहे उसमें चाहिए में बैठ लीजिए, कहीं 70 बेड चाहते तो बैठ लीजिए, तब 80 85 बेड ऊपर वाले भी हमारे साथ है। जब लोग कंप्लीट है तो इतनी संख्या में है, हमारा तो आधा डैमेज है, फिर भी इनके सहयोग में हम लोग आए कि नहीं आप लोग को पेंशन मिलनी चाहिए, ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। उनको सेवा समाप्त कर देंगे और अपने 75 मिनट उनका कोई सेवा नहीं बचेगा, 75 मिनट तो बैठ करके हम आएंगे लेकिन उनका सेवा का अपना कुछ नहीं होगा। वो अपने एक दिन के आते हैं पैसा ले लेते हैं, हम लोग का पैसा एक में 3 पैसे लेते हैं, 1 अरब रुपया उनका खाली खर्च है, 1 अरब रुपया हमारे नेता का खर्च है, 1 अरब पेंशन लेने में। मैं बजना सिंह जिला में सोशल भोजपुर सम्मेलन हाले के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही है, किस लिए ये विरोध प्रदर्शन है? हम लोग विरोध कर रहे हैं कि 2004 से जो सरकार पेंशन बंद करती है उसको लागू कराने के लिए, और जो नया पेंशन लागू किया है उसको पुराना पेंशन वापस लेने के लिए हम लोग बारी बारी से बताइएगा। लोग पुराना पेंशन लागू करने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं, एक फूल है और जो 18 महीना का डीए हुए कटा हुआ है उसको माने हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का दीजिए, और जो संविदा पर बहाल कर रहा है उसको माने नियमित बहाली करें, यही मांग कर लेकर के हम लोग यहाँ माने। और भी कुछ है जो नहीं दे रहे हैं लोग, हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, आप क्या कहना चाहती हैं बताइए। जो एनपीएस लागू किया है तो हम लोग को एनपीएस नहीं चाहिए, हम लोग को ऑफिस पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए और संविदा पे जो बहाली लिया है संविदा को रद्द करके नियमित बहाली लिया जाए और जो संविदा पे है उनको नियमित किया जाए। क्या नाम है आपका? बिंदु। जो है वो पहले वाले लोगों को दिया जाएगा, नए लोगों को नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर आप लोग तो नए बहाली के हैं, आप लोगों को क्या लगता है सरकार? हम लोगों का सरकार से यही मांग है कि जो पुराने लोगों को जिस तरह से पेंशन का हक दिया गया है, उनके बुढ़ापे का जो सहारा दिया गया है वो भी हम लोगों को चाहिए। हमारा जो बुढ़ापा है सिक्योर नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा हम लोगों को, एनपीएस के अंतर्गत हम लोगों को ला दिया गया है जिसके तहत ना हम लोगों को कोई फिक्स राशि मिलने वाली है और ना कोई पेंशन मिलने वाला है। जो पूंजी एनपीएस के थ्रू मिले उसमें भी परसेंटेज का बंटवारा है, दिखाने को 50 लाख है, अब मिलने को मिलेगा 10 लाख 5 लाख उसमें से, ये बहुत बड़ा जुमला है। इसको हटाकर हम लोगों को पुरानी पेंशन लाया जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को मांग को सुना जाए, हम लोग परेशानी को समझा जाए और हमारी बातों को गौर से ध्यान दिया जाए, तथा हम लोगों का जो नियुक्ति हो रहा है वो 900 ग्रेड पे हो रहा है, और बगल के ही राज्य झारखंड में देखिए वहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि का 2400 में ज्वाइनिंग हो रहा है, ये यहीं से वो राज्य बना है, यहीं के लोग वहाँ पे हैं, इसलिए वहाँ का नियम को देखते हुए अपना पुराना नियम देखते हुए हम लोग को 2400 में लाया जाना चाहिए, और हम लोग अपने इच्छा और दृढ़ शक्ति से काम करेंगे, हम लोगों का मनोबल हाई रहेगा तो अच्छा से काम करेंगे, सरकार को अच्छा रिजल्ट देंगे। धन्यवाद।